निसंदेह आजादी के पश्चात महात्मा गांधी ने देश के लोगों को एकजुट करने का काम किया, लेकिन भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जो भूमिका सुभाष बाबू ने निभाया वो कोई और नहीं निभा सकता था। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं ग्रो अप इंडिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश के सबसे बड़े जननायक के जन्म को आज 125 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज देश नेताजी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर सुभाष बाबू को श्रद्धांजलि देते हुए उनके मूर्ति का अनावरण किया। शुरुआती दौर में तो वे कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, लेकिन उनका गर्म तेवर कांग्रेसियों को पसंद नहीं आया और बाद में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आजादी के लड़ाई में सुभाष बाबू का काम तो अविस्मरणीय रहा है, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने तो उन्हें चंद पन्नों में सिमट कर रख दिया और उनका मौत भी आज तक रहस्यमय बना हुआ है। सुभाष बाबू का मानना था कि जब अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में फंसा है, तभी उनके राजनीतिक हलचल का फायदा उठाकर स्वतंत्रता के प्रयास करने चाहिए, न कि इंतजार करना चाहिए कि युद्ध समाप्ति पर अंग्रेज हमें गिफ्ट में आजादी दे दे। उन्होंने भारत के सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने पर अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया। इसको लेकर अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन नेताजी मानने वालों में से कहां थे। उन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दिए। इससे तंग आकर अंग्रेजों ने उन्हें अपने ही घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन वो इसी दौरान जर्मनी भाग गए। जर्मनी में उन्होंने युद्ध का मोर्चा देखा और युद्ध की ट्रेनिंग भी ली, जिसके बाद उन्होंने एक सेना का भी गठन किया। जर्मनी में रह रहे नेताजी को जापान में रह रहे आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस ने आमंत्रित किया। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथक भवन में चल रहे एक समारोह के दौरान रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का कमान नेताजी के हाथों में सौंप दी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार भी बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली समेत 9 और अन्य देशों ने मान्यता भी दी। उन्होंने जापान और आजाद हिंद फौज के मदद से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत के पहले स्वतंत्र भूभाग के रूप में हासिल किया। नेताजी ने आजाद हिंद बैंक और स्वतंत्र भारत के अपनी मुद्रा निर्माण के लिए भी आदेश दिया। उनका मानना था कि आजादी की इच्छा हर भारतीय के दिल में हो, तब भारत को स्वतंत्र होने से कोई नहीं रोक सकेगा। वैसे तो उनके किए गए कार्यों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें ग्रो अप इंडिया। धन्यवाद।